तो कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम अलजेब्रिकल मेथड से रिलेटेड, तो अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। तो एक तो छोटी सी चीज है अंडर रूट, जैसे 5 + 12 y होता है, मान लो ये निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकालना है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए a प्लस आयोटा बी आप कर दीजिए, ठीक है, कुछ नहीं, बस जिस चीज का अंडर रूट निकालना है उसको, उसका अंडर रूट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी मान लो, और दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 + 12 y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2 ab, है ना। रियल को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करो, तो वहां से आपका रियल पार्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और 2ab इज इक्वल टू 12, ये आ गया। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज 5 एंड ab इज इक्वल टू 6। यहां से आप a और b की वैल्यूज निकाल सकते हो, है ना, इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपके स्क्वायर रूट के क्वेश्चन होंगे स्क्वायर रूट निकालने के, वो इस तरीके से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको जो असाइनमेंट दिए हुए हैं उनमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको मतलब उसको मैं तभी डिस्कस करूंगा जब अपन असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे, ठीक। तो नॉर्मली तो यही प्रोसीजर होगा, उस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा, सोचिएगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं और फिर अपन उसका डिस्कशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो एक छोटी सी चीज़ हो गई स्क्वायर रूट से रिलेटेड। आइए अपन अब कुछ और कोई क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, आपको प्रिंसिपल और आर्गुमेंट, है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ये, या फिर एम्पलीट्यूड कह लीजिए उसको, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मतलब, ठीक है, जनरलाइज्ड होता है तो 2kπ ऐड कर देते हैं, बाकी तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब एम्पलीट्यूड हो गया। तो एम्पलीट्यूड और मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आप भी ट्राई करो खुद से, ठीक है, पॉज करके वीडियो। तो यहाँ पर tan 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप देखो जरा इसका अगर मैग्नीट्यूड मुझे निकालना होगा तो क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ अगर आप एक्सपेंड करके भी सोचते हो तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, tan स्क्वायर 1, ठीक है, प्लस सॉरी tan स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, है ना, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस साथ में आ जाएगा 2 आयोटा tan 1, ठीक है, यही नंबर था। अब इसका अगर हमें आर्गुमेंट पहले तो मॉडुलस निकालना हो तो मॉडुलस की वैल्यू कितनी आएगी, मॉडुलस हो जाएगा आपका अंडर रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर विच इज टेन स्क्वायर 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टेन 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपके पास बनेगा क्या, 10 की पावर 4, ठीक, प्लस 1 माइनस 2 टेन स्क्वायर 1, ठीक है, और प्लस 4 टेन स्क्वायर 1, तो 2 टेन स्क्वायर 1 ऐसा बन गया। तो ये देखो क्या बन गया, ये आपके पास आ गया tan स्क्वायर 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर था, अंडर रूट लगा लिया tan स्क्वायर 1 प्लस 1 मतलब दिस इज sec स्क्वायर 1, ये तो हो गया इसका मॉडुलस, ठीक है। अब बात बचती है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, तो इसके लिए देखना है हमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया था, ये एक्चुअली माइनस है, ठीक है, तो इसमें तो खैर कोई कंट्री मतलब उससे दिक्कत नहीं आएगी। अब अपन देखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में देखो हमें सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि भाई ये एक्सप्रेशंस कैसे हैं, भाई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ रहे हैं। तो इमेजिनरी पार्ट देखो कितना है, माइनस 2 टेन 1 नेगेटिव है, और रियल पार्ट की बात करूं तो दैट इज टेन स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ऑब्वियसली आपका टेन स्क्वायर 1 माइनस 1 कैसा होगा, ये क्वांटिटी जो है आपकी ये कैसी होगी, ये तो पॉजिटिव ही होगी ना, लिमिट्स में भी पढ़ लिया। और सीधा सीधा भी देख लो कि अगर हम tan स्क्वायर 1 की बात करें तो tan स्क्वायर tan 1 इनफैक्ट tan 1 आपका tan पाई बाई 4 से तो बड़ा होगा ही होगा, है ना। तो tan 1 अगर आपका tan पाई बाई 4 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्वांटिटी आपकी 1 से बड़ी है, इसलिए ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब कहाँ पे जाएगा, आपका वाई नेगेटिव है एक्स पॉजिटिव है, रियल पार्ट पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है। इमेजिनरी पार्ट की लेंथ कितनी है, 2 tan 1, ठीक है, रियल पार्ट की लेंथ कितनी है, tan स्क्वायर 1 माइनस 1, तो आपको यही थीटा मेजर करना था, है ना। तो आप अब सबसे पहले तो इस थीटा को मेजर करने के लिए अगर जाते हो, है ना, तो tan थीटा आपका कितना आएगा, tan थीटा आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से पहले थीटा में मेजर करता हूँ, आर्गुमेंट आपका माइनस थीटा के बराबर होगा ऑब्वियसली। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan 1 अपॉन tan स्क्वायर 1 माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये चीज क्या हो गई, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये tan 2 के बराबर हो गई और आगे माइनस लगा हुआ था, तो दिस इज योर माइनस tan 2।
सो टेन थीटा इज माइनस टेन टू, ठीक है इतनी बात। तो आपका आर्गुमेंट तो माइनस थीटा कहलाएगा ना। खैर पहले हम थीटा की बात कर लेते हैं, थीटा कितना आएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं हम टेन ओवर पाई माइनस टू, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन ओवर पाई माइनस टू। तो थीटा आपका यहां से निकल करके आ रहा है पाई माइनस टू के बराबर। अब अगर थीटा पाई माइनस टू के बराबर है तो आपका आर्गुमेंट कितना कहलाएगा या एम्पलीट्यूड कितना कहलाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी माइनस थीटा, सो माइनस थीटा विल बी टू माइनस पाई, ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ये बात। सेकेंड वाला भी ट्राई करिए आप, इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए और फिर इसके लिए आप मॉडुलस आर्गुमेंट ये सब फाइंड आउट करिए। तो सेकेंड वाले में अगर देखें तो सबसे पहले तो आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है डिनोमिनेटर वगैरह को फ्री करते हैं। तो डिनोमिनेटर से फ्री करने का मतलब क्या हुआ, जैसे a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d था तो हमने क्या किया था, c माइनस आयोटा d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया था। ठीक है तो यहां पे भी वही काम, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयोटा माइनस वन, ठीक है, और नीचे हमारे पास है रियल पार्ट के तौर पर आपका क्या है साइन टू पाई बाई फाइव है ना, और इमेजिनरी पार्ट आपका कितना है आयोटा इंटू वन माइनस कॉस टू पाई बाई फाइव है ना। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन टू पाई बाई फाइव आ जाएगा माइनस आयोटा वन माइनस कॉस टू पाई बाई फाइव और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा इसी का कॉन्जुगेट मतलब यही वाली टर्म साइन टू पाई बाई फाइव माइनस आयोटा वन माइनस कॉस टू पाई बाई इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन। ठीक है यहां से आपके पास आ गया साइन टू पाई बाई फाइव माइनस आयोटा वन माइनस कॉस टू पाई बाई फाइव। ठीक है और डिवीजन में आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर साइन स्क्वायर टू पाई बाई फाइव प्लस, ठीक है ये मतलब माइनस होता ए प्लस बी ए माइनस बी है ना ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, चलो एक बार वो लिखी देते माइनस का आयोटा स्क्वायर। ठीक है माइनस आयोटा स्क्वायर को ही मैं प्लस वन लिखना चाहता था बट एनीवे इट्स ओके। तो प्लस मतलब इसका स्क्वायर करने गए तो आपका आयोटा स्क्वायर आ गया और साथ में आ गया वन माइनस कॉस टू पाई बाई फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है इतनी बात ठीक थी। तो अब हमने इसको थोड़ा सा फिर से लिखा आयोटा माइनस वन इंटू साइन टू पाई बाई फाइव माइनस आयोटा वन माइनस कॉस टू पाई बाई फाइव। इसमें वन माइनस कॉस टू थीटा वाली चीज दिख रही है क्या, वन माइनस कॉस टू थीटा टाइप का, तो वन माइनस कॉस टू थीटा अगर दिख रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस टू पाई बाई फाइव को टू साइन स्क्वायर पाई बाई फाइव, ये लिख लिया मैंने। डिवीजन में मेरे पास क्या आया, तो डिवीजन में साइन स्क्वायर टू पाई बाई फाइव प्लस है ना माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस वन और इसका होल स्क्वायर मतलब आपके पास आ जाएगा वन प्लस कॉस स्क्वायर टू पाई बाई फाइव माइनस टू कॉस टू पाई बाई फाइव, लिख सकता हूँ। अब आप देखो जरा नीचे आपके पास वन, ये दोनों मिलके वन हो गए प्लस वन टू हो गया, टू माइनस टू कॉस टू पाई बाई फाइव, तो डिनोमिनेटर में आपके पास है टू माइनस टू कॉस टू पाई बाई फाइव और ऊपर में आप देखो क्या आएगा, ऊपर में आपके पास आयोटा साइन टू पाई बाई फाइव होगा, आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब प्लस वन हो जाएगा। ठीक है टू साइन स्क्वायर पाई बाई फाइव हो जाएगा है ना, माइनस का साइन टू पाई बाई फाइव और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया आयोटा, ठीक है टू साइन स्क्वायर पाई बाई फाइव, ये आपका एक्सप्रेशन बना है ना। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, ठीक है तो यहां से देखो इसको लिख सकते हैं टू कॉमन लेकर के वन माइनस कॉस टू पाई बाई फाइव, ठीक है फिर से भाई वन माइनस कॉस टू थीटा वाली चीज बनेगी। ठीक है इसको भी मैं फिर कन्वर्ट कर लेता हूं साइन टू पाई बाई फाइव को साइन टू थीटा की हेल्प से, लिख सकते हैं ना टू साइन पाई बाई फाइव कॉस पाई बाई फाइव। ठीक है तो रियल पार्ट के तौर पर आपके पास अभी कितना है टू साइन स्क्वायर पाई बाई फाइव माइनस साइन टू पाई बाई फाइव है ना, ये दोनों रियल है और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में आपके पास क्या है ये आ रहा है क्या आयोटा साइन टू पाई बाई फाइव
और यहां से आपके पास प्लस आयोटा हाफ, तो साइन 2 पाई बाई 5, ये स्क्वायर है यार, ठीक है, 2 ना लगे, साइन 2 पाई बाई 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5, ये आपका एक्सप्रेशन है ना, ये आपका न्यूमरेटर हो गया। तो अब आप इसके लिए देखो, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ऑल्दो अभी हम आगे और भी फॉर्म्स पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल वगैरह, तो उससे थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अभी के लिए तो हम अलजेब्रिकल ही पढ़ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म जब पढ़ेंगे तो काफी इजीली ये सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, उसकी हेल्प से। चलो एनीवे इसको देखते हैं, 2 इंटू ये कितना बन गया आपका 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5, और यहां पे भी आपने लिख लिया 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5, ठीक है, इतनी बात, ओके। तो अब आप देखो, अगर इसको भी मैं लिख दूं 2 साइन पाई बाई 5 कॉस पाई बाई 5, तो आपका 2 साइन पाई बाई 5 कॉमन निकल रहा है, फिर बचेगा आपका साइन पाई बाई 5 माइनस कॉस पाई बाई 5, ठीक है, और नीचे आपके पास 4 साइन स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 5, तो एक साइन पाई बाई 5 से एक साइन पाई बाई 5 आपका कैंसिल आउट होगा, सिर्फ साइन पाई बाई 5 बचा रह जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए, मतलब इधर रियल पार्ट के तौर पे इतना ही बचा है आपके पास। अब फिर आते हैं इमेजिनरी पार्ट में, इमेजिनरी पार्ट में देखें अगर, तो फिर से आपका इससे 2 sin पाई बाई 5 cos पाई बाई 5 लिखा, 2 sin पाई बाई 5 को कॉमन निकाला, तो आपके पास बचेगा cos पाई बाई 5 प्लस sin पाई बाई 5, है ना, और डिवीजन में आपका 2 sin पाई बाई 5 कैंसिल हो चुका होगा, तो बचेगा 2 sin पाई बाई 5, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको एक बार प्लॉट कर लेते हैं आर्गेंट प्लेन पे। अब आप देखो कि ये आपका एक्सप्रेशन था, इसके लिए आपको मतलब मेजर वगैरह करना था कि मतलब आर्गुमेंट क्या है, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड वाला पार्ट मैं नहीं कर रहा, आप निकाल भी सकते हो उसको, है ना, आसानी से। तो मैं आर्गुमेंट पे जाता हूं, आर्गुमेंट में लिए अगर देखूं मैं तो रियल पार्ट अगर देखा जाए, साइन ये कितना है 36 है, कॉस 36 है, तो 36 के केस में कहें तो कॉस बड़ा होगा साइन छोटा होगा, मतलब ये क्वांटिटी कैसी है ओवरऑल नेगेटिव, और ये क्वांटिटी कैसी है पॉजिटिव, मतलब आपका रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कुछ इस तरीके की सिचुएशन रही होगी। अब इसमें आपको अगर ये कहा जाता है कि ये थीटा है, ठीक है, तो ये लेंथ आपकी कितनी हो गई, ये लेंथ आपकी इसका मैग्नीट्यूड होगी ना भाई, ये तो खुद कैसा था नेगेटिव क्वांटिटी थी, साइन पाई बाई 5 माइनस कॉस पाई बाई 5, तो आपका इधर आ जाएगा ये पूरा कॉस पाई बाई 5 माइनस साइन पाई बाई 5 अपॉन 2 साइन पाई बाई 5, यही होगा, ठीक है। और इधर आप अगर इसकी बात करें, सॉरी ये तो आपका इमेजिनरी पार्ट था ना, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, रियल पार्ट आपका इधर से आ जाएगा, जो कि मैग्नीट्यूड कितना रखेगा, ये लेंथ कितनी होगी, कॉस पाई बाई 5 माइनस साइन पाई बाई 5 अपॉन 2 साइन पाई बाई 5, ठीक है। तो अगर आप ये tan थीटा निकालने जाते हो तो tan थीटा आपका कितना आएगा, sin पाई बाई 5 sin पाई बाई 5 कट गया, cos पाई बाई 5 प्लस sin पाई बाई 5 अपॉन cos पाई बाई 5 माइनस sin पाई बाई 5, ठीक है, ये आपका आ गया। तो आप इसको क्या लिख दोगे, आप cos पाई बाई 5 से अगर डिवाइड करो तो ये 1 प्लस tan पाई बाई 5 और नीचे 1 माइनस tan पाई बाई 5, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, किसका फॉर्मूला होता है ये, tan pi by 4 plus theta, tan pi by 4 plus pi by 5, तो ये आपका tan theta आ गया, तो this way theta is coming out as 9 pi by 20, है ना, तो theta अगर आपका 9 pi by 20 है तो argument तो इधर से ना पा जाएगा ना, तो इधर से measure करने पे कितना बनेगा 11 pi by 20, so answer is your pi minus, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया, अभी हमने चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म वगैरह नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से आप करेंगे तो काफी आसानी से सवाल सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि एक रूट कहा गया कि इस इक्वेशन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, इसका एक रूट प्योरली रियल है और ऐसे में हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो मैं पहले इसको समझा देता हूं आपको, अगर प्योरली रियल रूट कहा जाए, प्योरली इमेजिनरी रूट कहा जाए तो किस तरीके से डील करना चाहिए, ठीक है, दो चीजें हमें जाननी चाहिए, प्योरली रियल का मतलब क्या क्या होगा, प्योरली रियल मतलब हो गया कि अगर मान लिया कि अल्फा इसका एक रूट है तो अल्फा
और अल्फा प्योरली रियल है, मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है मतलब अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बार, एक चीज ये पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज इसके बारे में ये पता होनी चाहिए कि जो इक्वेशन आएगी मतलब जो रूट है वो क्या है, अल्फा है, जिसमें कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है। बस ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर प्योरली इमेजिनरी कहा जाता तो आप वो हम करेंगे, इसका सेकंड पार्ट वही करेंगे, प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी जब कहा जाएगा तो हम बोलेंगे कि इसका रूट आयोटा अल्फा है, ठीक है, जहां अल्फा एक रियल क्वांटिटी है, तो आयोटा अल्फा आपका प्योरली इमेजिनरी हो गया ना। और साथ में हम ये यूज करेंगे कि अगर आपका रूट जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, तो सपोज वो रूट अगर आपका जेड नॉट है तो जेड नॉट प्लस जेड बार इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्या होगा वहां पे इमेजिनरी पार्ट ही केवल रहेगा, रियल पार्ट तो खत्म हो जाएगा। तो इसके अलावा आपको क्या यूज करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपका प्योरली इमेजिनरी है ना, तो आपको ये भी पता है कि रियल पार्ट जीरो है। तो अगर आप ऐसा बोलते हो कि मेरा जेड नॉट जो है रियल पार्ट, जेड नॉट सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसका रूट है, तो z नॉट प्लस z बार बाई टू यही तो रियल पार्ट होता है। रियल पार्ट जीरो होने का मतलब कि z नॉट प्लस z बार आपका जीरो है, ठीक है, बस z नॉट बार आपका जीरो है। तो बस यही दो चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी। जैसे अभी मैं पहले बात करता हूँ प्योरली रियल के लिए, तो प्योरली रियल के लिए आपको कभी भी कहा जाए सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखिए कि अगर अल्फा इसका एक रूट है, ठीक है, वो प्योरली रियल होगा, कब होगा, जबकि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बार, या फिर हम ये कहें कि अल्फा इज अ रूट विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। दूसरी वाली बात का क्या मतलब है वो मैं समझाता हूं, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे ज्यादातर। देखिए क्या कहा जाएगा कि अल्फा इसका एक रूट है, ठीक है, इफ अल्फा, ठीक है, इज अ रूट, ठीक है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा बिलोंग्स टू आर, वो प्योरली रियल रूट जो है आपका अल्फा है, मान लीजिए अल्फा आपका बिलोंग्स टू आर लिख दिया मैंने, तो अगर आप इसको सेटिस्फाई कराओगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री प्लस आयोटा इंटू अल्फा प्लस एम प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस कि आपका आ गया अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस एम और प्लस आयोटा के साथ आ गया माइनस अल्फा प्लस टू, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, आपने क्लब करके लिख दिया। अब अगर ये चीज आपकी जीरो के बराबर है तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस एम भी जीरो होना चाहिए और इसी तरीके से माइनस अल्फा प्लस टू भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, मतलब ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए तभी तो ये जीरो के बराबर आएगा। तो हमने ये कहा कि यहां से पता चलता है कि अल्फा इक्वल टू टू, टू रो यहां सेटिस्फाई कराया तो फोर माइनस सिक्स प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू आ गई आपके पास टू के बराबर। तो ये प्योरली रियल रूट एग्जिस्ट करने के लिए आपका एम को कितना होना पड़ेगा, टू के बराबर होना पड़ेगा। इसी का सेकंड पार्ट अगर आपसे ये कहा जाए, बस कुछ और नहीं, यहाँ प्योरली रियल की जगह बस अब मैं सेकंड पार्ट के लिए इमेजिनरी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो इमेजिनरी के केस में क्या होगा, हम इस समय बोलेंगे कि आपका मान लिया मैंने आयोटा अल्फा इज अ रूट, ठीक है, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, आयोटा अल्फा रूट है, सेटिस्फाई करा दो तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री प्लस आयोटा इंटू आयोटा अल्फा प्लस एम प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस थ्री आयोटा अल्फा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, प्लस अल्फा आएगा ना, माइनस का आयोटा स्क्वायर है ना, तो प्लस अल्फा आ जाएगा प्लस एम प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू जीरो। तो आप देखो यहां से कि आपका रियल पार्ट कितना दिख रहा है, आपके पास रियल पार्ट के तौर पे है माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा तो रियल था, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और प्लस एम, इतना रियल है। और इमेजिनरी आपका कितना है, इमेजिनरी है आपके पास टू माइनस थ्री अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो अब दोनों को इंडिविजुअली जीरो होना चाहिए, ये जीरो होने का मतलब है कि आपका अल्फा कितना था, टू बाई थ्री, यहां से इमेजिनरी पार्ट है ना, अल्फा अगर 2 बाई थ्री है तो यहाँ पे इसको भी जीरो होना था। तो आप देखो माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, 2 बाई थ्री इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो माइनस फोर बाई नाइन प्लस टू बाई थ्री प्लस एम इज इक्वल टू जीरो, यहां से आपके पास इस केस के लिए भी एम की वैल्यू आ गई। तो प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी में आप इस तरीके से डील करेंगे, ठीक है, अल्फा आपका रूट है एक बार, आयोटा अल्फा आपका रूट है, रियल पार्ट्स को अलग किया, इमेजिनरी पार्ट्स को अलग किया, दोनों को इक्वल टू जीरो करके हम एम की वैल्यू निकाल सकेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है। और एक्चुअली उसको इस फैक्ट के फॉर्म में यूज करना पड़ेगा कि आपसे कैसे कहा गया कि प्योरली रियल है ना। तो अगर मान लीजिए कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर डब्ल्यू आपका प्योरली रियल है, तो इसका मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार, ठीक है, बाई सॉरी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार, ठीक है, बाई टू, ये आपका बाई टू आयोटा, ये आपका जीरो के बराबर होना चाहिए। इसी तरीके से अगर कहा गया कि कोई चीज प्योरली इमेजिनरी है, तो उसका रियल पार्ट मतलब डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार बाई टू जीरो के बराबर होना चाहिए। इस फैक्ट का भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये वाली टर्म्स प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी वाली किस डायरेक्शन में ले जाती हैं, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकती है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की। जेड स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, जेड माइनस थ्री का स्क्वायर और मॉड ऑफ जेड माइनस सिक्स आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन की आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए इसको भी आप। देखो z को x प्लस आयोटा वाई कंसीडर किया, तो इसका मतलब ये क्या है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, सिंपल सी बात है ना। ये आपका क्या है x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, और ये आपका x स्क्वायर प्लस आयोटा y माइनस सिक्स का होल स्क्वायर। दिस इज कमिंग आउट एज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y है ना, और क्या आ जाएगा 9, और यहां से 36 45 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो अब आप यहां से देख सकते हो 3 को अगर मैं कॉमन भी ले लूं तो भी अपना काम बन जा रहा है, ठीक है। मुझे मिनिमाइज करना था इस एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो अब आप बताओ ये एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कैसे करते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 15, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए आप क्या करोगे। तो ऑब्वियसली आप एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बना दो, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर बना दो और प्लस 10, यही आएगा ना। तो अगर आपको मिनिमाइज करना है तो इसका मतलब ये मिनिमम कब होगा, जब एक्स इक्वल टू वन रहे, ये वाई इक्वल टू टू, एंड व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन एंड वाई इज इक्वल टू टू, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 10। तो मिनिमम वैल्यू के लिए, फॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू एक्स शुड बी इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू टू, उस केस में आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3 × 10। तो अब नेक्स्ट टॉपिक थ्योरी का स्टार्ट करते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो अल्जेब्रिकल फॉर्म आपने पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या है, और इसी में हम साथ में ही कह लीजिए एक अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन है ना लगभग काफी सिमिलर रहेगा, वो है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक बात देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ये कोई पॉइंट z है सपोज, ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, तो इसको क्या बोलते हो आप, मॉड ऑफ z बोलते हो कि नहीं, ये मॉड ऑफ z होता है, ठीक है, और इस एंगल को आप बोल देते हो थीटा, मॉड z को मैंने r बोल दिया, ठीक है। तो z को क्या बोल देंगे हम, r का अगर हम देखें तो इस z को अगर हम एक्स वाई के तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो r का cos थीटा रियल पार्ट बनाएगा और r sin थीटा इधर इमेजिनरी पार्ट बनाएगा। तो आपका जो z है उसको क्या लिखा जा सकता है, r cos theta plus iota sin theta लिख सकते हैं कि नहीं, या r cos theta plus iota r sin theta, x plus iota y लिख सकते हैं। z के कोऑर्डिनेट्स अगर x y बोल दूं मैं तो x क्या बोला जाएगा, x को r cos theta बोला जाएगा और y को क्या बोला जाएगा, r sin theta, ठीक है। तो ये z हो गया आपका r cos theta plus iota sin theta, जहां theta आपका क्या है, थीटा आपका एम्पलीट्यूड भी हो सकता है और आर्गुमेंट भी हो सकता है ना। तो थीटा आपका बस उस एंगल को रिप्रेजेंट करना है, तो थीटा मैं आर्गुमेंट भी बोल देता हूँ, थीटा इज आर्गुमेंट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आर इज योर मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर कैसा है आपका, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब इस सिस्टम से रिलेटेड हम कुछ चीजें और भी देख लेते हैं कि इस फॉर्म में हम क्या क्या चीजें बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हमसे कहा जाए कि ये जेड एक पॉइंट था, ठीक है, थोड़ा सा इसको वेक्टर से भी कोरिलेट करके साथ में चलना, अगर एक तरीके से ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या कि कितना इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ओपीई का मैग्नीट्यूड कितना है वो कौन बता रहा है, आर बता रहा है, और कौन सी डायरेक्शन में है ये कौन बता रहा है, थीटा बता रहा है। तो जो आर है एक तरीके से वो वेक्टर वाले मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है, और ये जो बाकी का पोर्शन है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अगर तुम देखो तो इसका मैग्नीट्यूड खुद का वन भी है, ठीक है। तो ये आपकी डायरेक्शन या फिर कह लीजिए यूनिट वेक्टर टाइप का भी काम कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कि इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि r इज योर मैग्नीट्यूड एंड cos थीटा प्लस iota sin थीटा इज एक्चुअली वर्किंग एज अ डायरेक्शन टूल फॉर यू. ठीक है, तो मॉड ऑफ z आपका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा और थीटा आपके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा. और आप देख भी सकते हो दूसरी प्रॉपर्टी कि मॉड ऑफ cos थीटा प्लस iota sin थीटा अगर निकालने को कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ cos थीटा प्लस iota sin थीटा कितना आएगा, जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऑब्वियसली कितना आएगा, 1 आएगा. ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे हमसे रह गई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर cos थीटा प्लस iota sin थीटा को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे, सिस थीटा. ठीक है, सिस थीटा, ठीक है, सी आई एस थीटा बस. ठीक है, तो सिस थीटा का मतलब क्या है, cos थीटा प्लस iota sin थीटा है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चीज, अब cos थीटा प्लस iota sin थीटा भी तो खुद में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. cos थीटा प्लस iota sin थीटा आपका खुद में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो यूनिमॉडुलर है कि नहीं. तो cos थीटा प्लस iota sin थीटा का अगर मैं कॉन्जुगेट लिखूं तो वैसे तो क्या लिखूंगा, मैं cos थीटा माइनस iota sin थीटा लिखूंगा. ठीक है ना, x प्लस iota y का x माइनस iota y. लेकिन चूंकि ये यूनिमॉडुलर है तो हमें ये भी पता होता है कि दिस विल बी यूनिमॉडुलर के लिए क्या होता है कि मॉड ऑफ z, सॉरी z बार जो होता है और 1 बाई z बराबर होते हैं. तो z बार इज इक्वल टू 1 अपॉन z, है ना, ये भी आप यूज कर सकते हैं. इसी को हल्का और मैनिपुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो इसकी बात करता हूं, है ना, यहां से मैंने ये तो लिखी लिया है कि 1 अपॉन cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना, ये क्या था आपका, इसके बराबर था. तो दिस इज इक्वल टू cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस 1 अगर देखू मैं तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसके बराबर है, है ना. तो दिस इज अगेन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा. थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिख देते हैं. अपन कह रहे हैं एक तरीके से कि ये लिखें या फिर ऐसे लिखें, cos ऑफ इसको अंदर भेज दो, माइनस 1 को थीटा से मल्टीप्लाई. देखो ये दोनों चीजें सेम ही लिखी है ना, क्या किया मैंने, जो पावर थी ना वो पावर मैंने अंदर के एंगल से मल्टीप्लाई कर दी. तो माइनस 1 था, माइनस थीटा बन गया, माइनस थीटा बन गया, लिख सकते हैं ऐसा. ठीक है, और ये चीज आगे आप चल करके प्रूफ भी करोगे कि ये किसी भी पावर के लिए वैलिड होगी, अभी हमने माइनस 1 के लिए इसकी बात करी है फिलहाल. ठीक है, आगे देखेंगे उसको, अलग से डिस्कस करेंगे. cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर माइनस 1 की अभी बात कर रहे हैं, तो यहां पे हमें पता चला कि ये माइनस 1 जो है वो क्या बना देगा, एंगल्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो एक तरीके से मैं कहूं कि 1 अपॉन sis थीटा जो था, है ना, 1 अपॉन sis थीटा, ये क्या बन गया, sis माइनस थीटा बन गया, ये आपको याद रखना है. ओके, आगे बढ़ते हैं sis अल्फा और sis बीटा का मल्टीप्लीकेशन पे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन क्या आएगा उसकी बात करें, तो ये है आपका cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा और दूसरा है आपका cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन करने में cos अल्फा cos बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा cos बीटा प्लस आयोटा स्क्वायर, है ना, तो उसको मैं माइनस 1 लिख ही देता हूँ आयोटा स्क्वायर को, और बचेगा क्या, साइन अल्फा साइन बीटा. तो साइन अल्फा साइन बीटा रियल पार्ट के तौर पे क्या क्या आया, रियल पार्ट में आया आपके पास cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. तो इसको एक साथ लिख लो, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. और इमेजिनरी पार्ट में आपके पास आयोटा के साथ क्या कोफिशियंट बन रहा है, साइन अल्फा cos बीटा प्लस साइन बीटा cos अल्फा. तो दिस इज साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया, cos ओवर अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो sis अल्फा और sis बीटा का अगर आपने मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको मिलेगा क्या, sis कौन सा, अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, तो अल्फा और जो बीटा एंगल्स थे बस वो दोनों का सम हो गया यहां पे. ये बात समझ में आ रही है. अब इसी को फर्दर हम थोड़ा और इसको एक्सटेंड करते हैं. तो अभी तक हमने क्या सीखा, sis alpha into sis beta is equal to sis alpha plus beta. Okay?
तो अब अगर सोचो जरा, सिस अल्फा वन, सिस अल्फा टू, ऐसे करके सिस अल्फा एन तक सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो क्या होगा, इसी तरीके से एक्सटेंड हो जाएगा ना। जैसे यहां दोनों एंगल्स का मल्टीप्लीकेशन एडिशन हो गया, वैसे ही यहां पे भी सारे एंगल्स का एडिशन हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा सिस ओवर अल्फा वन प्लस अल्फा टू अप टू अल्फा एन, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। और वहीं पे अगर हम सिस ओवर अल्फा, है ना, इस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन सबको अल्फा मान लू, मैं सबको अल्फा मान लू, ठीक है, ऐसी चीज मैट्राइसेस में तुमने करी होगी, वैसा ही कुछ कर रहे हैं। सिस अल्फा वन की जगह भी अल्फा, यहां भी अल्फा, है ना, ऐसे ही अल्फा अल्फा ही अल्फा, ठीक है, एन बार अल्फा लिख लिया। तो सबका प्रोडक्ट करोगे, सबका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सारे एंगल्स का एडिशन हो जाएगा एन अल्फा। तो क्या आया, सिस अल्फा की पावर एन जब हम करते हैं तो क्या होता है, सिस एन अल्फा हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, सिस अल्फा की पावर एन इज इक्वल टू सिस एन अल्फा, ये अभी हमने सीख लिया। ठीक है, एन कैसा है हमारा, एन हमारा कोई इंटीजर है, मतलब यहां पे कहें तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो सिस अल्फा की पावर एन इज इक्वल टू सिस एन अल्फा, एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब देखो क्या हो? मतलब ये तीनों आपको समझ में आ गए एक साथ, दो थे तो दोनों का एडिशन हो गया, एन थे तो एन का एडिशन हो गया, एन टाइम्स अगर अल्फा ही था तो एन अल्फा हो गया। ठीक है, तो अगर हमसे ऐसा ही रहे, मान लीजिए कहा जाए सिस अल्फा वन सिस अल्फा टू, है ना, और नीचे दे दिया जाए सिस बीटा वन, तो क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम सिस अल्फा वन प्लस अल्फा टू, ऊपर तो सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन हो गया, इसका क्या करें। तो अभी हमने लिखा ना कि वन अपॉन सिस थीटा इज इक्वल टू सिस ऑफ माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा सिस ऑफ माइनस बीटा वन, तो ये मिलेगा सिस ओवर अल्फा वन प्लस अल्फा टू, और यहां से माइनस बीटा वन, सारे एंगल्स का समी तो करना था, ये आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाले का नेगेटिव और बाकी ऊपर वालों का सबका एडिशन, यही आपका आंसर हो जाना चाहिए हर बार। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप कई बार कैलकुलेशन वगैरह में एम्पलीट्यूड्स वगैरह निकालने के लिए इस सब फॉर्मूलों का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म हुआ, और इससे बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस नहीं रखते हुए हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और उसको भी हम साथ ही में यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, क्या है जो यहाँ पे निकाला, बस इसी को एक दो लाइनें और बढ़ा देते हैं। तो जेड को हमने क्या बोला, जेड को बोला आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही बोला ना, कॉस थीटा cos थीटा, तुमने e की पावर x का एक्सपेंशन लिमिट्स में पढ़ा है, e की पावर x क्या होता है, 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू, ऐसे ही करके इन्फिनिटी तक बात चली जाती है ना। वहां पे x के लिए कुछ बताया भी गया होगा कि x क्या रख सकते हैं, ऐसा भी होगा, है ना, लेकिन इस x को आयोटा थीटा भी रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं वो आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, वो हमारे कोर्स के लिए काम का नहीं है। ठीक है, तो हम x की जगह यहां पे क्या कहने वाले हैं कि इसी फॉर्मूले में x की जगह पे आयोटा थीटा रख लें। तो x की जगह अगर हम आयोटा थीटा रखते हैं तो जरा देखो क्या बनेगा, e रेस टू पावर आयोटा थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा, सॉरी 1 प्लस आयोटा थीटा, x की जगह आयोटा थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन आयोटा क्यूब थीटा क्यूब अपॉन, ठीक है, आयोटा 4 थीटा 4, बस यहीं तक लिखेंगे, ज्यादा नहीं, आयोटा 4 थीटा 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इसी तरीके से आगे की टर्म्स भी होती जाएंगी। ठीक है, तो जरा इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग करके देखो भाई, ये तो तुम्हारा रियल ही है ना पूरा, आयोटा स्क्वायर मतलब माइनस वन हो गया, तो ये थर्ड टर्म जो है तुम्हारी पूरी रियल है, ऐसे ही फिफ्थ टर्म तुम्हारी पूरी रियल है, फर्स्ट टर्म तुम्हारी रियल है, लेकिन सेकंड फोर्थ सिक्स्थ ये सभी कैसी हैं, इमेजिनरी हैं। तो रियल रियल को एक साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी को एक साथ कर देते हैं। तो रियल पार्ट्स में क्या आएगा, वन आएगा, यहां से क्या आएगा माइनस का थीटा स्क्वायर बाई टू, प्लस का यहां से क्या आएगा थीटा फोर बाई फोर, ठीक है, और ऐसे ही करके हमारे पास अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आते रहेंगे। ठीक है,
इमेजिनरी में क्या आएगा, आयोटा के साथ यहां से थीटा, यहां से क्या आएगा, यहां से थीटा है, यहां से थीटा क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल है, ओके, प्लस थीटा 5 बाई 5 फैक्टोरियल है, एंड सो ऑन, इस तरीके का। तो आप जरा देखिए ये कुछ जाना पहचाना सा एक्सपेंशन है कि नहीं है, कौन सा, ये है आपका कॉस थीटा, ये था, और उसी तरीके से ये कौन सा एक्सपेंशन है आपका, साइन थीटा। तो ये क्या हुआ, ये तो मतलब थोड़ी दुनिया पलट सी गई आपकी, क्या हो गया, e raised to power iota theta जो है आपका आ गया cos theta plus iota sin theta इसके बराबर। तो e raised to power iota theta आपका cos theta plus iota sin theta के बराबर है। अब इसमें थोड़ी सी एक चीज और ध्यान रहे कि theta आपका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, कुछ भी मतलब इमेजिनरी भी हो सकता है। तो थीटा आपका यहाँ पे, थीटा बिलोंग्स टू जेड, मतलब थीटा आपका प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है, थीटा रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट है ना रियल, तो थीटा आपका यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। पिछली बार जब आप बात कर रहे थे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो आप थीटा को रियल लेते थे, है ना, यहाँ पे थीटा आपका कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन थीटा की जगह पे हो सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। वहां पे जो थीटा था वो थीटा कौन सा था, रियल था, यहां पे जो थीटा है दैट थीटा में भी रियल, दैट थीटा में भी प्योरली इमेजिनरी, एंड दैट थीटा में ऑल्सो भी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी टाइप, ऐसा भी हो सकता है। तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आपका क्या होता है, अभी हमने लिखा था क्या था, जेड को हम लिख देते थे आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब क्या लिखने लगेंगे, ई की पावर आयोटा थीटा, जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग पहली बार देख रहे हो उनके लिए थोड़ा सा अजीब है ये चीज समझना, ठीक है, याद रखो इस चीज को कि किस तरीके से हमने ई की पावर आयोटा थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन के थ्रू हमने ये काम किया है, इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखा हमने, ठीक है। ध्यान रहे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि अब थीटा जो है आपका इमेजिनरी भी हो सकता है, इमेजिनरी एंगल, सोचो कॉस ऑफ 3 आयोटा, इस तरीके की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या इससे रिलेटेड आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। तो नेक्स्ट जरा प्रॉपर्टीज के पहले एक बार देख लेते हैं, मान लीजिए ये आपके टर्म्स हैं कॉम्प्लेक्स, है ना, और इनको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक कह लीजिए या एक्सपोनेंशियल कह लीजिए, इन फॉर्म्स में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे एक एक करके देखते हैं, क्या क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए मैग्नीट्यूड और उसके अलावा चाहिए थीटा या फिर आर्गुमेंट, है ना। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट ट्वेल्व आएगा, है कि नहीं, रूट ट्वेल्व, ठीक, माइनस थ्री अपॉन रूट ट्वेल्व माइनस रूट थ्री अपॉन रूट ट्वेल्व आयोटा, ये होगा, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स छः केसेस करने हैं अपने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो जरा थोड़ा और सिंप्लीफाई किया इसको, तो रूट ट्वेल्व कॉमन, यहाँ से कितना आ गया, माइनस रूट थ्री बाई होगा, माइनस रूट थ्री बाई रूट ट्वेल्व है ना, तो माइनस वन बाई टू आयोटा, ये आ गया, ठीक है। अब जरा सोचो कौन सा ऐसा थीटा है जिससे कि ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इस तरीके से कन्वर्ट हो जाए, ध्यान रहे प्लस ही रहना चाहिए बीच में, नेगेटिव वेटिव नहीं लगा देना, ठीक है। तो रूट ट्वेल्व तो ठीक है, ये क्या आएगा, ठीक है, तो इसके लिए देखो आपको क्या समझ आ रहा है, माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस हाफ आयोटा, कहां पे ये लाइन करता है जरा देखो, माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, यहां होगा ना, माइनस रूट थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये वाला जो एंगल है ना, इधर से कितना आएगा देखें आर्गुमेंट निकालने के लिए, तो यहां से देखो ये आपका हाफ है, ये रूट थ्री बाई टू है, तो ऑब्वियसली यहां पे आपका 30 डिग्री बना, तो यहां से कितना आया 150 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास एंगल क्या बनेगा, कॉस ऑफ माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस 150 और माइनस का आयोटा साइन, ठीक है, सॉरी प्लस आयोटा साइन माइनस 5 पाई बाई 6, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कहें तो इसको कोई सिस माइनस 5 पाई बाई 6 भी लिख सकता है, और इसी को रूट ट्वेल्व ई की पावर माइनस आयोटा
फाइव पाई बाई सिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। आयोटा थीटा, थीटा क्या था, माइनस फाइव पाई बाई सिक्स था। फिर ऐसे देखिए सेकंड वाले में सेवन, सेवन का आर्गुमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा, तो अपने लिख भी दें डायरेक्टली कि सेवन इंटू ई की पावर आयोटा जीरो, ठीक है। थर्ड माइनस थ्री, इसका आर्गुमेंट क्या होगा, नेगेटिव साइड में है ना, पाई होता है, ठीक है, तो क्या आएगा, थ्री ई की पावर आयोटा पाई, मैग्नीट्यूड थ्री और आर्गुमेंट कितना, पाई। फोर्थ वाले में देखो जरा, फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला क्या है, थ्री आयोटा, तो थ्री आयोटा इसका आर्गुमेंट कितना होगा, पाई बाई टू, तो मैग्नीट्यूड थ्री, आर्गुमेंट पाई बाई टू। फिफ्थ देखो माइनस टू आयोटा, तो माइनस टू आयोटा का आर्गुमेंट कितना होगा, माइनस पाई बाई टू होगा, मैग्नीट्यूड टू, ई की पावर आयोटा माइनस पाई बाई टू, ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ केस, माइनस टू प्लस टू आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो टू रूट टू है कि नहीं, माइनस टू अपॉन टू रूट टू, तो माइनस वन बाई रूट टू लिख दिया और प्लस वन बाई रूट टू आयोटा, यही लिखा हुआ है जेड आपका, तो बताओ कि इसका आर्गुमेंट कहां पे आएगा। ओके, तो आर्गुमेंट के लिए हमें समझ में आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट का है ना, सेकंड क्वाड्रेंट का है ये पॉइंट, ठीक है, तो ये वाला एंगल बनेगा, इधर 45 है, इधर कितना हो गया 135 हो गया, तो टू रूट टू ई की पावर आयोटा 135, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ओके, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन। अब हम इसी को कुछ प्रॉपर्टीज भी लिख लेते हैं, एक चीज और इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज तो कई सारी हैं, ठीक है। e की पावर आयोटा थीटा का अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड आप वन लिख सकते हो, लेकिन कब, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे तो थीटा के लिए कुछ भी पॉसिबिलिटी थी ना, थीटा अपना कुछ भी होता था, लेकिन ये हम तभी लिखेंगे जब ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म से कोरिलेटेड हो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मैग्नीट्यूड हम वन तभी लिखेंगे जबकि थीटा आपका कैसा हो, रियल हो। तो अगर थीटा आपका, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, अगर थीटा रियल है तो ई की पावर आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वन के बराबर आएगा। ई की पावर आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हमेशा होगी, लेकिन लेकिन आपका पता नहीं, अगर कॉस थीटा की बात करूं, थीटा अगर आन लीजिए आपका इमेजिनरी है ना, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। कॉस ऑफ थ्री आयोटा के बारे में थोड़ी ना कहा गया था कभी तुमसे कि कॉस ऑफ थ्री आयोटा और साइन ऑफ थ्री आयोटा के स्क्वायर्स का सम वन होता है, नहीं कहा गया था तुमसे, तो तब यही बोला गया था अभी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा जब रियल है तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है और आंसर वन हो जाता है, ठीक है। तो e की पावर आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा अगर थीटा आपका रियल है। अब फिर से दूसरी बात वही, अगर ये यूनिमॉडुलर है तो e की पावर आयोटा थीटा का ऑब्वियसली कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 अपॉन e की पावर आयोटा थीटा, विच इज e रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक है। थर्ड अब सिंपल सी बात है, अगर आप सोचो e की पावर आयोटा थीटा वन है, e की पावर आयोटा थीटा टू है, अप टू e की पावर आयोटा थीटा एन है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल उसी तरीके से सारे एंगल्स का सम होता जाएगा, थीटा वन प्लस थीटा टू अप टू थीटा एन, यही इसका सम हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का यही रिजल्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो e की पावर आयोटा थीटा की पावर एन करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा एन थीटा, बिल्कुल जैसे पहले चीजें होती थी उसी तरीके की चीजें अभी भी होती रहेंगी, ठीक, जैसा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी है, डिफरेंट क्या है वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो आप प्रॉपर्टी, e रेस टू पावर आयोटा थीटा प्लस वन दिया गया है, थीटा रियल की ही बात कर रहे हैं, तो ये था आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस वन, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस कॉस थीटा को हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से क्या लिखा जा सकता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और आयोटा साइन थीटा को ब्रेक कर दिया हाफ एंगल में, थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है, तो 2 कॉस थीटा बाई टू दोनों में से हो गया कॉमन, तो बचा क्या, कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, ठीक है इतनी बात। तो ये e की पावर आयोटा थीटा प्लस वन गेट्स कन्वर्टेड इंटू दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन तक पहुंचने का एक और तरीका हो सकता था, अपन इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो e की पावर आयोटा थीटा बाई टू को कॉमन निकाल लिया तो बचा क्या, e की पावर आयोटा थीटा बाई टू प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू, है ना, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका कॉस थीटा बाई टू प्लस
प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, ठीक है। इसमें इन दोनों का सम कितना होगा, कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, और यहां से कॉस ऑफ माइनस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा बाई टू। देखो कॉस ऑफ थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, और दूसरा वाला है कॉस ऑफ माइनस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा बाई टू। तो ये और ये कट गए, बचा क्या, ये तो दोनों कटेंगे नहीं ना, ये तो ट्वाइस हो जाएंगे, तो बच क्या गया, टू कॉस थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, ठीक है। ये आपका रिजल्ट हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस वन के लिए, है ना। अब अगर हम एक चीज और यहां से देख लें तो मॉड ऑफ e की पावर आयोटा थीटा प्लस वन कितना हुआ, देखो किस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा। तो देखो ये तो आपका फिर से कैसा काम कर रहा है, उसी यूनिट वेक्टर के तरह से, और ये आपका बचा हुआ पार्ट है, मतलब ये आपका क्या कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड कितना है, टू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें, एक तो ये मैनिपुलेशन करके हम किस तरीके से यहां तक पहुंचे हैं ये भी पता होना चाहिए, और ये भी रिजल्ट पता होना चाहिए। अगेन अगर हम माइनस की बात करें, है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम कह लें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो भी हो लिख लेना नंबर आप, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट नोट, ई रेस टू पावर आयोटा थीटा माइनस वन अगर रहता तो क्या होता, ठीक है। तो देखो फिर से e की पावर आयोटा थीटा बाई टू को कॉमन लिया, यहां से आया e की पावर आयोटा थीटा बाई टू माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू। देखो जब इसको भी cos sin में ब्रेक करोगे, मतलब यही लिखोगे बीच में माइनस साइन के साथ, तो क्या होगा, cos cos कट जाएगा, 2 sin बचा रहेगा, तो ये बन जाएगा, यहां से आएगा 2 आयोटा sin थीटा बाई टू। तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, cos थीटा बाई टू प्लस आयोटा sin थीटा बाई टू, और इधर से क्या आएगा, 2 iota sin theta by 2 ये आ जाएगा, है ना, iota वाली टर्म्स बची रहेंगी, बाकी से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अगर हम यहां पे देखें तो इनका मैग्नीट्यूड अगर आप निकालना चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, फिर से ये भाई डायरेक्शन की तरह, बाकी इस पोर्शन का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 sin theta by 2 है, तो mod over e raised to power iota theta minus 1 is equal to कितना हो गया, 2 sin theta by 2। तो manipulation और ये result दोनों ही पता होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई। अब बात करते हैं next, ठीक है, next property, है ना, अगर theta आपका complex है, ठीक है, ये केवल complex के लिए अलग से हमें समझना है, ठीक है, हम देखेंगे complex को deal कैसे करेंगे। तो थीटा बिलोंग्स टू जेड, है ना, इस बार थीटा आपका जेड है, मतलब कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप देखें तो कॉस थीटा को आप कैसे लिखोगे, आप देखो ई की पार आयोटा थीटा, ठीक है, ई की पार आयोटा थीटा आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा आपका कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होगा, लेकिन दोनों का जब आप सम करोगे तो क्या मिलेगा, टू कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू। ये हमेशा वैलिड है, किसी भी थीटा के लिए वैलिड है। अब आपको जादू दिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए देखिए, चलो कॉस थीटा लिख लिए, साइन थीटा भी लिख ही लेते हैं, साइन थीटा का कितना होगा, ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू आयोटा, ठीक है। तो बचपन से अभी तक क्या पढ़ा था आपने कि कॉस साइन हमेशा वन से छोटा होता है, माइनस वन वन के बीच में होता है। अब देखिए, ठीक है, इस समय क्या हो जाएगा, मतलब ये तो आपको याद रखना है, ठीक है, कॉस थीटा ये है, साइन थीटा ये है, जब थीटा आपका जेड हो तो, जेड अगर मतलब थीटा आपका कॉम्प्लेक्स का आ जाए तो कॉस और साइन का कैलकुलेशन आप यहां से करेंगे, इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखिए एक ऐसे ही एग्जाम्पल देखते हैं, कॉस ऑफ आयोटा एक्स का नेचर जरा देखो, कॉस ऑफ आयोटा एक्स कैसा बनेगा, थीटा की जगह आयोटा एक्स रखोगे तो देखो क्या आएगा, e की पावर आयोटा इंटू आयोटा एक्स, है ना, और इधर से e की पावर माइनस आयोटा इंटू आयोटा एक्स बाई टू। और इसी तरीके से चलो केवल इसी को पहले डील करो, ये क्या लिखा है, आयोटा स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब e की पावर माइनस एक्स और इधर से e की पावर एक्स बाई टू, क्या हुआ, नंबर और उसका रेसिप्रोकल। ये तो पता है ना भाई कि e की पावर x और e की पावर माइनस x, AMGM भी लगा के देख लो, तो ये क्वांटिटी आपकी 2 से बड़ी आएगी, 2 या 2 से बड़ी, बाई 2 कर दिया,
मतलब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है आपका कैसा होगा, हमेशा वन या वन से बड़ा होगा। तो कॉस ऑफ आयोटा एक्स जो है आपका हमेशा कैसा रहने वाला है, एक्स आपकी रियल क्वांटिटी थी, ठीक है, एक्स आपका रियल है, कॉस के अंदर जो एंगल लिखा है वो इमेजिनरी है, तो कॉस ऑफ आयोटा एक्स आपका हमेशा कैसा आएगा, देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू वन आएगा, ठीक है, और इसीलिए वो इमेजिनरी भी है, ऑब्वियसली समझ सकते हो, जादू समझो जादू, नहीं तो लॉजिकली भी समझ सकते हो, ठीक है, कि कॉस ऑफ आयोटा एक्स आपका हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर ये चीज क्लियर है तो आप साइन आयोटा एक्स भी ऐसे ही समझ सकते हो, साइन ऑफ आयोटा एक्स का क्या बनेगा, वहां पे आ जाएगा आपका e की पावर माइनस एक्स माइनस e की पावर एक्स अपॉन टू, ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, इसके बारे में भी आप ऐसे ही कमेंट कर सकते हो कि नहीं, कि हमारा ये जो वैल्यू आएगी वो किस तरीके की होगी, भाई रहेगी तो रियल क्वांटिटी ही, ठीक है, यहाँ पे भी देखो भाई एक्स रियल है ना, तो यहाँ से जो भी आउटकम आएगा वो रियल ही आएगा और यहाँ से भी रियल ही आएगा, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा कॉस थीटा और साइन थीटा हम अभी तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो अगर थीटा आपका कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो आपको कॉस थीटा और साइन थीटा को इस फॉर्मूले से डील करना है। नेक्स्ट देखो आप e की पावर आयोटा z का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है और z आपका r इंटू e की पावर आयोटा थीटा है, z के लिए जो भी था r और थीटा वो सब कैसे थे अपने पास, रियल थे ऑब्वियसली, है ना, लेकिन यहाँ पे e की पावर आयोटा z में आप समझ सकते हो कि आयोटा के साथ जो थीटा लिखा हुआ है थीटा की जगह z है जो कि खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो इसको ट्राई करो आप खुद से पहले, है ना, ये समझ लेना कि इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसका मतलब रिजल्ट ऐसा नहीं है कि हम आग बंद करके वन लिख दें, ठीक है, वो वन तब लिख देते जबकि ये z को दिया गया होता रियल, लेकिन हमें z कॉम्प्लेक्स है ये गिवन है, ठीक है, तो इसको ट्राई करो आप, मैं सोल्यूशन लिखता हूं आप पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। e की पावर आयोटा z की बात कर रहे हैं ना, तो यहां पे क्या आएगा, e की पावर आयोटा z, z का मतलब हुआ r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यही आएगा ना, ठीक है, अब जरा देखिए अगर इसको हमने फिर से लिखा मॉड ऑफ e की पावर आयोटा r cos थीटा, ठीक है, और इंटू e की पावर आयोटा आयोटा मिलके माइनस हो गए साइन थीटा, लिख सकता हूं, तो अब यहां से देखो e की पावर माइनस साइन थीटा ये तो रियल चीज है ना यार, रियल क्वांटिटी होगी ना, थीटा रियल था तो e की पावर माइनस साइन थीटा ये क्वांटिटी रियल होगी, तो इसको हमने सिंपली बाहर निकाल लिया, इसका सीधा मैग्नीट्यूड एज इट इज बाहर आ जाएगा, बाकी बचा ये, मतलब बाकी हमें ये देखना था, तो अब जरा बता दो इसका आंसर क्या होगा, तो आयोटा के आगे देखा हमने, आयोटा के आगे क्वांटिटी कैसी है, रियल है, आयोटा के आगे वाली क्वांटिटी रियल है कि नहीं है, आर रियल थीटा रियल सब कुछ रियल, तो ई की पावर आयोटा के आगे रियल क्वांटिटी लिखी थी, जैसे ही रियल हुआ वैसे ही हम आंसर लिख सकते हैं वन, जब तक वो रियल नहीं था तब तक हम वन नहीं लिख सकते थे, तो यहां से आपके पास आया ई की पावर माइनस साइन थीटा और यहां से आपको मिल जाएगा वन, बिकॉज ये लिख लेना कि आयोटा के आगे वाली चीज आपकी रियल है, तो आंसर क्या होगा, e रेज टू पावर माइनस साइन थीटा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, w का आपको लोकस निकालना है और z प्लस वन बाई जेड, ठीक है, w क्या है आपका, z प्लस वन बाई जेड है, जहां मॉड z आपका कांस्टेंट है, बहुत सारी चीजें कही गई हैं, मॉड z आपका कांस्टेंट है, आपको लोकस इसका निकालना है, ठीक है, ठीक है, z प्लस वन बाई जेड का एक तरीके से, ठीक है, और उसको मैंने नाम दिया है उस कॉम्प्लेक्स को w का, तो z वेरिएबल है, उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है लेकिन z खुद वेरिएबल है, ओके, तो अब देखिए आपके पास कैसे होगा, w के लिए हम क्या लिखते हैं, z का मतलब हो गया अगर मॉड z k है तो k इंटू e की पावर आयोटा थीटा और यहां से आपका आ जाएगा वन बाई के e की पावर माइनस आयोटा थीटा, होगा कि नहीं, तो सबसे पहले चाहिए ये समझ में आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे आप x प्लस आयोटा वाला फॉर्मेट लेके आओगे, लोकस निकालना है और हम अल्जेब्रिकल फॉर्म से करें तो फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो वैसा नहीं करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही है, अपन ये जब भी कभी इस तरीके की आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी जाए ये लिख भी लेना, कभी भी अगर को क्वेश्चन में इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे दी जाए और फिर हमें जेड निकालना हो, है ना, या फिर लोकस निकालना हो, इक्वेशन सॉल्व करनी हो, लोकस निकालना हो, ऐसे केसेस में आप यूज करना चाहोगे अपना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा, ओके, तो इस चीज को आप नोट डाउन भी कर लो, तो w आपका के e की पावर आयोटा थीटा प्लस वन बाई के e की पावर माइनस आयोटा थीटा है, यहां से आप देखो k cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा प्लस वन बाई के
कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का कोफिशियंट कितना आया आपके पास, कॉस थीटा या फिर रियल पार्ट कह लें के कॉस थीटा, है ना, और प्लस वन बाई के कॉस थीटा, ओके। और इमेजिनरी पार्ट में आपके पास है के साइन थीटा माइनस वन बाई के साइन थीटा, ठीक है। आपको लोकस निकालना था, तो अब इसको आप कोरिलेट करिए किससे, ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया, यू हैव टू टारगेट टू इलिमिनेट थीटा, ठीक है। आपको थीटा इलिमिनेट करने की जरूरत है, तो आपके पास एक इक्वेशन एक तरीके से हो गई k cos थीटा प्लस वन बाई के cos थीटा इज इक्वल टू x, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास k sin थीटा माइनस वन बाई साइन थीटा, वन बाई के साइन थीटा इज इक्वल टू y, साइन थीटा ऊपर था ना यार, है ना। तो आप देखो कॉस थीटा की वैल्यू निकल आई या नहीं, कॉस थीटा यहां से निकल गया, कॉस थीटा कितना हो गया x डिवाइडेड बाई के प्लस वन बाई के, और साइन थीटा हो गया आपका यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, y अपॉन के माइनस वन बाई के। इलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके एड, तो x अपॉन के प्लस वन बाई के का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन के माइनस वन बाई के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये क्या हो गया, एक इलिप्स की इक्वेशन हो गई, ठीक है। तो ये इलिप्स की इक्वेशन है, ये आपका वही लोकस रहा। तो ध्यान रहे जब भी कभी इस तरीके की टर्मिनोलॉजी यूज की जाए तो ऐसे केस में आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वेशन सॉल्विंग के लिए या फिर इन सब केसेस के लिए भी आपका लोकस निकालने के लिए भी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। नेक्स्ट ये दो क्वेश्चंस देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड पाई बाई सिक्स है और जेड माइनस टू आयोटा आपका टू के बराबर है, ठीक है, मॉड ऑफ जेड माइनस टू आयोटा, तो आपको जेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए आपको से, ये आपका अल्जेब्रिकल फॉर्म से ही रिलेटेड है बेसिकली, ठीक है, जैसा वहां पे आपने क्वेश्चन किया था उसी से रिलेटेड है, ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। तो आप देखिए, अब आप एक बार ट्राई कर लो, मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं, ठीक है, तो पॉज कर लेना। जेड माइनस टू आयोटा इज इक्वल टू टू, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, जीरो कॉमा टू, जीरो कॉमा टू सेंटर है, और रेडियस कितना है, टू है, तो जीरो कॉमा टू सेंटर और टू रेडियस वाला एक सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स, तो अब बताओ जरा आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स का मतलब क्या होता है, रे, कौन सी रे, ऐसे पाई बाई सिक्स वाली, ठीक है, तो पाई बाई सिक्स वाली रे, ठीक है। ये पाई बाई सिक्स कौन सा एंगल है, यही वाला है पाई बाई सिक्स, ठीक है, तो ये पाई बाई सिक्स एंगल हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जेड क्या होगा, एक तो तरीका है कि आपको सर्कल की इक्वेशन पता है, ये लाइन की इक्वेशन पता है, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, ठीक है, सीधा सीधा, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका पाई बाई सिक्स है, तो एक लाइन की इक्वेशन आपको पता है कि भाई ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू एक्स वाई रूट थ्री, और उसके अलावा ये सर्कल जीरो कॉमा टू सेंटर और टू रेडियस, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी भी इक्वेशन लिख सकते हो और सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं कि ये जेड की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम, तो यहां से देखो ये डिस्टेंस टू यूनिट्स है और ये भी डिस्टेंस टू यूनिट्स है, ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा, है ना, टू यूनिट्स दोनों डिस्टेंसेस हैं। आप देखो ये पाई बाई सिक्स है, तो यहां कितनी होगी, पाई बाई थ्री होगी, ओके, तो ये पाई बाई थ्री हो गया, ठीक है, पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री, ये पाई बाई थ्री हो गया, ये भी पाई बाई थ्री हो गया, और ये भी कितना हो गया फिर भाई, ये दोनों साइड्स आपकी बराबर थी ना, तो ये पाई बाई थ्री है, तो इधर भी पाई बाई थ्री होगा, तो ये दोनों पाई बाई थ्री, तो इधर भी क्या हो गया, पाई बाई थ्री। इसका मतलब ये अगर मैं कहूं कि ये P पॉइंट था, ये O पॉइंट था, ये Q, तो O P Q इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मतलब हुआ कि ये साइड्स दो हैं, तो ये भी कितना होगा, टू यूनिट्स पे होगा, तो इसका मतलब ओ क्यू टू है ना, डिस्टेंस ओ क्यू टू है, और इसका मतलब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जेड कैन बी रिटन एज टू कॉस पाई बाई सिक्स प्लस आयोटा साइन पाई बाई सिक्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसका आर्गुमेंट का काम कर गया, जेड की वैल्यू आपकी निकल करके आ गई, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। फिर प्लॉट रीजन करना है हमें, कौन सा रीजन जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, तो आप भी ट्राई करो, मैं भी करता हूं, आप पॉज कर लो। z माइनस टू लेस देन और इक्वल टू एट, तो टू कॉमा जीरो यहां रहा मान लो, और लेस देन और इक्वल टू एट मतलब एक सर्कल बनेगा, है ना, जिसकी रेडियस कितनी होगी, एट यूनिट्स होगी,
ठीक है, तो 2.0 था, 8 यूनिट्स, तो मैक्सिमम ये कहां तक चला जाएगा, 10.0, और इधर कहां तक चला जाएगा, -6.0, है ना। ये आपका सर्कल के इंटीरियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंदर वाली चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां देखें तो जब जेड माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू जेड माइनस फाइव का मॉड होता है तो क्या बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका किसका, 1.0 और 5.0, ये बात तो पता ही है, ठीक है, 1.0 और 5.0 का एंगुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा कहां पे, 3 पे, तो ये x इक्वल टू 3 वाली लाइन होगी, ठीक है। ये तो तब होता है ना जब मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 5 दिया गया होता, लेस देन के लिए क्या करेंगे, सोचो जैसे कोऑर्डिनेट में सोचते थे, कोऑर्डिनेट में कोई भी इनइक्वालिटी आती है तो क्या करते हो, दो भाई पहले इक्वालिटी के लिए सोचते हो और फिर क्या करते हो, इधर उधर के पॉइंट्स को चेक कर लेते हो कि किससे हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगी। तो ये इक्वालिटी रही, इनइक्वालिटी के लिए हम क्या चाहते हैं कि जेड जो है आपका 1 से कम डिस्टेंस रहे, जेड का 5 से डिस्टेंस ज्यादा हो, तो हमें ऑब्वियसली इधर वाले पोर्शन को सोचना पड़ेगा ना, इधर वाला पूरा पोर्शन जिसकी 1 से डिस्टेंस कम है, ठीक है। यहां पे जेड माइनस 1 जेड माइनस 5 बराबर है, यहां पे जेड माइनस 1 छोटा है, जेड माइनस 5 बड़ा होगा इधर के किसी भी पॉइंट से, ठीक है। तो इधर का पूरा पोर्शन आपका इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपको इस सर्कल का इंटीरियर भी चाहिए था, तो एक तरीके से ये पूरी चीज क्या रिप्रेजेंट कर गई, इस सर्कल के इस पूरे पोर्शन को रिप्रेजेंट कर गई, ये पूरे ये दोनों इनइक्वालिटीज एक तरीके से मिलकर के इस रीजन को आइडेंटिफाई कर रही है।